नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम चौहान मारता पोल्ट्री फार्मिंग से। ये देख सकते हो मैंने इसमें अभी मैं डालना बता मतलब डालते हुए बताना भूल गया। ये एसिड है 1 लीटर वाला, पूरा इसमें डाल दिया 300 लीटर एक टंकी में, और इसमें कम से कम 100 लीटर पानी डाल दिया। और ये बंद है देखो वाल, यहाँ से पैक कर दिया क्योंकि अभी ये जोड़ा नहीं हमने, और ये पूरा धो धुआ के कंप्लीट है। देखो रोज़ पानी मार रहा हूँ मैं, और चूना लगाना है उसमें, घोल भी लिया चूना वो टंकी में, देखो बताऊँ अभी मैं। और ये कल वल हो जाएगा कंप्लीट, सही हो जाएगा ये। तो ये वाल चालू कर दिए, और ये जो एसिड रहता है बर्तन धोने का, मतलब एसिड पता ही होगा आपको, वो डाल दिया। और अब यहाँ वाल चालू करूँगा मैं आपके सामने, वो इसमें डाल दिया देखो, और रात भर इसमें ही रहने दूँगा 3 लाइन में। वो इसको कल वल करना पड़ेगा इसको पूरा। देखो अभी तक गीला है, बर्तन भी सब धो दिए हैं, इनको नहीं धोया क्योंकि ये काम के नहीं। वो पानी टपक रहे अरे, वहाँ वाल बंद कर दे, अब बंद कर दे। हाँ पानी टपक रहा था, हाँ बंद कर दिया देखो वाल उधर से। अब रात भर से पानी इधर रहेगा तीनों लाइनों में। देखो अभी तक गीला है, 5 बार पानी डाल चुका हूँ मैं। ये इधर से तिरपाल खुली नहीं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, किसी जगह चूना और किसी जगह ऐसा दिख रहा है, मतलब एकदम धो धुआ के कंप्लीट है पूरा। और निप्पल को देखो बहुत ही आसान है साफ़ करना, मेरे पुरानी वीडियो देख लेना। वही देखो चूना घोल घुला के पटक दिया इसमें, ये देखो चूना है इसमें। ये पूरा फार्म में अभी नहीं लगाएंगे, 4 पोल खोलेंगे हम, यहाँ तक खोल लेंगे ये आगे तक। पिछली बार 5 पोल खोले थे वहाँ तक खोले थे, इस बार भी देखेंगे वहाँ तक खोल लेंगे, नहीं तो यहाँ मेरी तो इच्छा है यहाँ तक है, यहाँ तक खोलेंगे। और 8 पार्टीशन करेंगे इसमें ऐसे, और ऐसे भी 8 पार्टीशन हो जाएंगे। और बच्चे बहुत कम डाला हुआ है इस बार में, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो FCR भी बहुत ज़्यादा भागता है, और वज़न इस मतलब इतना नहीं रहता है जितना अदर फार्मरों का रहता है, उनका FCR कम रहता है और वज़न अच्छा रहता है क्योंकि उनको स्पेस अच्छा मिल जाता है। मेरा फार्म 30 बाई 150 है, अभी पिछले लाट में मतलब 5,000 डाल दिए थे तो मज़े नहीं आया वज़न के, इसमें 2300 ग्राम आया था और अमाउंट अभी तक नहीं आया है। बाकी इनको धो धुआ के पूरा कंप्लीट है। ये देखो सारी निप्पल और बर्तन उनको देख सकते हो आप, ये देखो इसमें एसिड डाल दिया, अभी रात भर में रहेगा इसमें, उसके बाद फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, तो वो एकदम कास्टिक सोडा सॉरी, वो एकदम से सेवाल निकाल देगा, वैसे यही भी निकाल देगा कंजी, बाकी वो डाल देंगे तो और सही रहेगा। वो हेलोजन लगा लेंगे, देखो ये हेलोजन के ये ऐसे ही रख रखे हमने, और इसमें भी सेल डालना है बस, बाकी चालू है ये। वो लाइट है 24 घंटे चालू रहती है ये, क्योंकि अभी लेबर को भगा रखा है, अभी दूसरा लेबर आने का ही है, तो 20 बल्ब ये जला देंगे। वो जनरेटर को सही कर दिया हमने, मतलब सही करने पहुँचाया उसको, और दिखेगा देखो। हमने भी कल मैंने पानी निकाल दिया था इसके अंदर का, और आज ये एसिड वाला पानी है इसमें, और पूरा धो धुआ के कंप्लीट है। देखो किसी जगह मतलब चूना अच्छा है तो अच्छा था, तो वो चूना दिख रहा है अभी, अभी नया दिखेगा इसके, वो पैक कर देंगे सर जगह जगह उन। और चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, 11-12 बर्तन वो टर्बो फीडर ऑन काट दिए उन्होंने, वहाँ टांग के रखे थे उधर साइड में। बाकी रोजाना वीडियो बनाऊंगा मैं पिछले लाडो की तरह। ये देखो चूहों ने बहुत ज़्यादा काट रखे हैं, ये देखो ये तो कमी है देखो कटा हुआ बहुत सारे, देखो ये भी काट दिया उधर अंदर भी इसके।
बहुत ज़्यादा मात्रा में काट दिए, मतलब 11-12 बर्तन बहुत मायने रखते हैं। इधर दिख ही नहीं रहे, अंदर है वो सब, बाकी धो धोआ कंप्लीट। अभी देखो गीला ही है, पूरा सूखा नहीं है। इधर पेक है कोई कोई जगह और कोई कोई जगह ऐसा ही है। बाकी मैं हमेशा की तरह वीडियो बनाता हूँ। ये देखो ब्रूडिंग के लिए ये भी रखेंगे हम, 6 डिब्बे हैं काट के रखे हम अभी, डबल ट्रिपल त्रिपाल लगा लेंगे अंदर से हम, तो वो सही रहेगी। डबल ट्रिपल त्रिपाल रहेगी तो और सही रहेगा। ये देखो इतना इकट्ठा करके रखा, और उधर भी इनको भी निकाल देंगे सब, और धो धोआ का कंप्लीट रहेगा। और इधर चूना नहीं लगाएंगे और ना ही बुरादा लगाएंगे, उधर 4 पोल तक बुरादा लगाएंगे सिर्फ। और मैं आगे बताता रहूँगा क्या है। इसके पहले मोटर दूसरी थी, अब ये थोड़ी छोटी वाली लगा दी। देखो ये घर पे लगी थी, और वो बड़ी वाली घर पे लगा दी, क्योंकि वहाँ घर पे ज़्यादा काम रहता है। और इधर पानी नहीं आए, ये फट गई मतलब पूरी त्रिपाल, यहाँ पानी नहीं आए इधर से इसके ऊपर, इसलिए हमने लगा दिए। और बाकी रोज़ाना वीडियो बनाता रहूँगा वैसा का वैसा ही, जैसे पहले बनाता था। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता मुझे, जिसको देखना है देख सकते हैं, और जिसको नहीं देखना है नहीं देखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे लिए वीडियो बनाता हूँ। और अभी बंद करके रखा तो वही, फिर वही कार्यक्रम चालू हो जाएगा हमारा।